चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र को मारपीट कर अगवा करने की कोशिश की गई। पीड़ित के सिर में चोट लगी है। शोर मचाने पर आरोपी उसे सेक्टर 17 थाने ले गए। वहां पुलिस ने पहले पीड़ित का उपचार कराया, फिर उसे थाने में ही बिठा लिया। देर रात उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पीड़ित छात्र नरवीर सिंह ने बताया कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा है। बुधवार देर शाम सेक्टर 17 में खाना खाने आया था। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बेटा उदयवीर सिंह कुछ गनमैनों के साथ वहां पर पहुंच गया। सभी ने नशा किया हुआ था, लेकिन आते ही वो उसे पीटने लगी। नरवीर के अनुसार इस बीच उसने मौका मिलते ही अपने दोस्त मीत को फोन करके बुला लिया, लेकिन आरोपी उसे गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी में बैठाने लगी। गाड़ी में बैठने के बाद लोगों को देखकर उसने शोर मचाया, तो आरोपी उसे सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन ले गए। इस दौरान की गई मारपीट में सिर में चोट भी लगी। दूसरी ओर नरवीर के दोस्त मीत ने बताया कि नरवीर सिंह और उदयवीर रंधावा के बीच में पुरानी रंजिश है, जो काफी दिनों से चली आ रही है। पहले भी दोनों के बीच में कई बार लड़ाई हो चुकी है, लेकिन आज तक रंजिश के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।